हेलो गाइस, आज मैं आपको ट्रेडमैप की वेबसाइट कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तब तक आप बायर नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक आपके पास परफेक्ट लिंक ना हो, परफेक्ट कंट्री ना हो कि जहाँ पे आप इजीली कंट्री, एक्सपोर्ट कंट्री एंड इम्पोर्ट कंट्री बोथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ट्रेडमैप की वेबसाइट कैसे वर्कआउट होती है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फर्स्टली आप आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल जो भी आप सर्वर यूज कर रहे हैं वहाँ पे जाइए और आपकी जो भी गूगल है, जो भी क्रोम है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आप सर्च इंजन टाइप कीजिए ट्रेड मैप। जैसे ही ट्रेड मैप टाइप करेंगे तो www.trademap.organization की लिंक आ जाएगी। जैसे ही वीडियो देखेंगे वीडियो के नीचे मैंने ट्रेडमैप की लिंक ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो आप ट्रेडमैप की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ट्रेडमैप की वेबसाइट पर आपको वर्क करना है। जैसे ही ट्रेडमैप की वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट न्यू एन अकाउंट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको रजिस्टर करना ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाली है वो ईमेल आईडी आप लीजिए। यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल आईडी है, मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए नहीं बताने वाली, मैं आपके लिए सेकंड ईमेल आईडी। और आपकी जो भी कंट्री है वो कंट्री पे जाइए और यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आएगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कंफर्मेशन पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे ये फॉर्म फिलअप करेंगे यहाँ पे आप मिस्टर मिसेस जो भी है वो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सेकंड यहाँ पे आएगी एक्टिविटी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ट्रेडमैप की टूल्स आप यूज करने वाले लेकिन किस लिए करने वाले। अगर आप गवर्नमेंट मिशन स्टूडेंट, आप बेसिकली या तो स्टूडेंट हो गए या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एनी एल। उससे आपका जो भी मार्केट डेटा फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सिलेक्टेड कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ डिड यू लर्न अबाउट एग्जिस्टेंट ऑफ आईटीसी मार्केट एनालिसिस टूल, आपको ये टूल कहाँ से मिला। तो आप वेब सर्च इंजन कोई भी आप आपकी तरह से यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अदर ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ऑप्शनल है इसलिए आपको अगर डालनी है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालनी है तो यहाँ पे सबमिट करके लॉग आउट कर सकते हैं। मैंने अभी आईडी में कुछ नहीं डाला इसलिए, वरना आप अपने आपने जैसे ही कंफर्मेशन किया यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी जीमेल आईडी होगी वो जो भी आपने जीमेल आईडी डाली है वो जीमेल आईडी पे जाइए, वहाँ पे कंफर्मेशन आएगा। वहाँ पे कंफर्मेशन पे जैसे ही मेल पे आप सिलेक्ट करेंगे ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद ट्रेडमैप पे जाइए, आपकी जो भी आईडी है वो आईडी डालिए, लॉग इन कर दीजिए। जैसे ही लॉग इन कर देंगे यहाँ पे ट्रेडमैप की वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको ये ट्रेडमैप की वेबसाइट कैसे वर्कआउट होती है वो मैं आपको आगे कराने वाली हूँ। तो फर्स्टली आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट रिगार्ड्स, आपको ये देखना है कि इंपोर्ट के कौन कौन सी कंपनीज करती है, कौन कौन सी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है। सेकंड है कौन कौन सी कंट्री आपकी प्रोडक्ट परचेस करने वाली है, कौन कौन सी कंट्री आपकी कॉम्पिटिटर यानी कि कौन कौन सी कंपनी है, कंट्री है जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो ये सब डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फर्स्टली आपके जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एचएस कोड आता है,
वो एचएस कोड डाल दीजिए, अगर आपके पास एचएस कोड नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए। एग्जाम्पल आज मैं आपको राइस प्रोडक्ट रिगार्ड स्टडी करने वाली हूँ कि राइस प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, कौन कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है। तो फर्स्टली आपका जो भी राइस है वो राइस डाल दीजिए। अगर आपके पास एचएस कोड है तो इज द बेस्ट, आप एचएस कोड ही डाल दीजिए जिससे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिगार्ड आपको डेटा एनालाइज करने को मिलेगा। वरना आप अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डाल दीजिए, आपके जो भी प्रोडक्ट है मैं आज राइस कराने वाली हूँ तो आप राइस डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंगल और ग्रुप दोनों ऑप्शनल है। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो सिंगल, यहाँ पे ग्रुप में सिलेक्ट करना है तो ग्रुप में। जैसे ही आप पॉसिबल है तो आप सिंगल प्रोडक्ट ही सिलेक्ट कर दीजिए जिससे आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो भी डेटा सर्चिंग में इजीली पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट थी यहाँ पे हमने सिलेक्ट की थी राइस, यहाँ पे कंट्री और रीजन है, आपका जो भी कंट्री है वो कंट्री डाल दीजिए। अगर आप इंडिया, आपको अगर इंडिया का डेटा चाहिए तो इंडिया डाल दीजिए, अगर आपको अफ्रीका का चाहिए तो अफ्रीका डाल दीजिए, अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड चाहिए तो वर्ल्ड वाइड में कौन कौन सी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो कुछ मत डालिए, यहाँ पे ऑप्शनल रहने दीजिए। तो फर्स्टली हम यहाँ पे राइस सिलेक्ट करेंगे, राइस का एचएस कोड ले लिया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले हो तब आप सिलेक्ट कर दीजिए इंपोर्ट, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले हो तो आपको कौन सी लिस्ट चाहिए, इंपोर्टर्स की लिस्ट है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले हो, इंपोर्ट करने वाले हो, तो आपको कौन सी लिस्ट है कि कौन कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करने वाले करते हैं, जहाँ से मैं क्या करूँ प्रोडक्ट मंगवा दूँ। तो यहाँ पे राइस और उसके बाद आपको इंपोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका ट्रेड इंडिकेटर आएगा, जैसे ट्रेड इंडिकेटर ओपन हो जाएगा यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। 2019 लिस्ट ऑफ द इंपोर्टर फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इन 2019, कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए उसकी 2019 में कौन कौन से कंट्री ने ये प्रोडक्ट इंपोर्ट किए उसकी पूरी लिस्ट है। यहाँ पे जो लिस्ट आ गई है इंपोर्टर्स की 2019, इराक, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएसए, फिलीपींस, इराक, बेनिन, फ्रांस, यूके, टॉप 10 जो भी कंट्रीज है वो कंट्री की लिस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर आपको टेबल में चाहिए तो टेबल, अगर आपको ग्राफ में चाहिए तो यहाँ पे ग्राफ भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप इजीली ग्राफ थ्रू भी आप चेक आउट कर सकते हैं, आपको जिसमें चाहिए ग्राफ पे, मैप पे। अगर आप टेबल प्रेफर करेंगे तो टेबल, एक्स वाई जेड आपकी चॉइस ऊपर रहेगा। यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपको इंपोर्टर्स कंपनी मिल गई है। उसके बाद अगर आपको, आपने इसमें से कोई एक कंट्री सिलेक्ट की है कि चलो मुझे यहाँ पे ईरान में एक्सपोर्ट करना है या फिर सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ऑलरेडी कौन कौन सी कंट्री कंट्री के पास से राइस मंगवा रही है। तो जो भी कंट्री है वो कंट्री के आप क्या देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे राइस भेज रही है। तो यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री है सिलेक्टेड, वो सिलेक्टेड कंट्री पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रीज के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सप्लाइंग मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इंपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया इन 2019। तो 2019 में जो भी सऊदी अरेबिया में सप्लाइंग कर रहे थे वो कंट्री की पूरे के पूरी लिस्ट आ गई है। यहाँ पे लिस्ट में देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री, यहाँ पे इंडिया फर्स्ट रैंक पर है, मतलब कि इंडिया, और यहाँ पे परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज सऊदी अरेबिया कंट्री से मंगवा रही है। तो यहाँ पे इंडिया 78.4%, पाकिस्तान 7.7%, यूएसए 7.4%, थाईलैंड 2.6%, हर एक कंट्री कितना परसेंटेज राइस मंगवा रही है पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। सेकंड, ये वेबसाइट अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ऑल, यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए कौन कौन सी कंट्री आपकी कॉम्पिटिटर है, मतलब कि राइस में कौन कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है,
तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सिलेक्ट कर दीजिए। तो देख लीजिए लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इन 2019, प्रोडक्ट प्राइस आ गई है। तो यहाँ पे इंडिया, थाईलैंड, इंडिया यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर है जो राइस यहाँ से भेज रही है। यहाँ परसेंटेज भी आए है कि कितने परसेंटेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थाईलैंड, यूएसए, आपके जो भी कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बेस्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट लिस्ट बनाने वाले हैं तो एक्सपोर्ट लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वही कंट्रीज के इम्पोर्ट भी कर रही है। हाँ कर रही है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जब हमने एक्सपोर्ट लिस्ट देखी थी तब एक्सपोर्ट लिस्ट में टॉप 10 में कौन कौन से थे? यूएसए थे थर्ड रैंक पर, 6th पर चाइना थे। वही सेम हमने जब इम्पोर्ट में देखा तो इम्पोर्ट में सेकंड रैंक पे चाइना आ गई और थर्ड रैंक पे चाइना आ गई और फोर्थ रैंक पे यूएसए आ गई। तो आपके जो भी कॉम्पिटिटर कंट्रीज है वो कॉम्पिटिटर कंट्रीज पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड आपकी जो भी हमने साउथ अरेबिया कंट्रीज सिलेक्ट किए इम्पोर्टर्स में, तो वहाँ पे कौन कौन से कंपनीज है जो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मंगवा रही है उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कि नंबर ऑफ इम्पोर्टिंग कंपनीज इन साउदी अरेबिया ब्रोकन डाउन बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई है ग्रोसरी रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी राइस मंगवा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल गई है, ग्रोसरीज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंपनी नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो हमें कुछ काम के नहीं है लेकिन कंट्री एंड सिटी आप ये देख सकते हैं इजीली। तो आपको कंपनी की लिस्ट भी मिल जाएगी। सेकंड है यहाँ पे हर एक पेज पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेल फाइल, वर्ड एंड टेक्स्ट फाइल। आप इनमें से कोई भी फाइल आपको चाहिए वो इजीली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको हर बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर ही ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो ऊपर ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको कंट्री से या फिर ऑल ओवर प्रोडक्ट भी चेंज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया है, अगर आपको इंपोर्ट चेंज करना है, एक्सपोर्ट चेंज करना है, अगर आपको ट्रेड इंडिकेटर चाहिए तो आप ट्रेड इंडिकेटर्स देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड अगर आप देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट हम आपकी जो भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट है वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंट्रीज इम्पोर्टर है, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सी कंट्री एक्सपोर्टर्स है, आपकी इम्पोर्टर्स कंट्री जो भी आपके टारगेट मार्केट है वो टारगेट मार्केट की सप्लाइंग मार्केट कौन है, इस प्रकार आप पूरा का पूरा वीडियो भी देख सकते, पूरा का पूरा डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और टूल्स आपको देखने हैं तो आप प्लीज मेरे नई वीडियो का वेट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।